हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दो टू वे स्विच और दो सीलिंग फैन रेगुलेटर, एक सीलिंग फैन की वायरिंग कैसे करते हैं यह देखेंगे। इस वायरिंग में फ्रेंड्स हमने दो टू वे स्विच, ये दो टू वे स्विच हैं, और दो फैन रेगुलेटर और एक सीलिंग फैन का यूज करेंगे। ये जो वायरिंग है फ्रेंड्स, इससे हम एक ही सीलिंग फैन को दो जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं, दो जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोनों जगह हमारे अलग अलग जगह पे एक टू वे स्विच लगेगा और एक फैन रेगुलेटर, जैसे कि यहाँ एक टू वे स्विच और फैन रेगुलेटर, दूसरी जगह पे हमारा टू वे स्विच और फैन रेगुलेटर। यहाँ से अगर हम सीलिंग फैन को ऑन करते हैं और इस स्विच से फिर ऑफ करना चाहे तो यहाँ से हम आके इसको ऑफ कर सकते हैं। ये जो वायरिंग है ये हम बेडरूम में करते हैं अक्सर, मैन स्विच बोर्ड से इसको ऑन कर देते हैं, वहाँ से अगर कम ज़्यादा करना चाहे स्पीड तो कर सकते हैं, फिर वहाँ अगर हमको बेड से फैन को ऑन कर ऑफ करना है तो यहाँ के ऑफ भी कर सकते हैं, और ऑन करने के बाद इसकी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी वायरिंग कर लेते हैं। पहले फ्रेंड्स हम एक टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में ये सीलिंग फैन रेगुलेटर में दो वायर रहती हैं, जिसमें से एक इनपुट होती है और एक आउटपुट। एक वायर को हमको क्या करना है, टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लेना है। ये टू वे स्विच है, इसका ऊपर वाला टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये जो फैन रेगुलेटर है इसकी दूसरी वायर, यानी कि जो आउटपुट वायर है, दूसरी वायर को हमको दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देनी है। ये ऊपर वाला टर्मिनल है तो यहाँ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अगर वायरिंग में करनी है फ्रेंड्स तो इसमें वो जो दूसरे टू वे स्विच से इससे वायर आई है वो इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। ये वायरिंग हमने इतनी कर ली। इसके बाद हमको क्या करना है, दूसरा फैन रेगुलेटर लेना है, उसको हमको ये टू वे स्विच है इसके नीचे वाले टर्मिनल में एक वायर कनेक्ट करनी है। एक वायर को यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं फैन रेगुलेटर की, और दूसरी जो वायर है वो टू वे स्विच के दूसरे टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, ये यहाँ पे, इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम फैन वाली वायर, जो दो वायर होती है एक फेज और न्यूट्रल के लिए, वो वाली वायर कनेक्ट कर लेते हैं। न्यूट्रल वाली वायर डायरेक्ट न्यूट्रल में कनेक्ट होती है, और जो फेज वाली वायर होती है फैन की, वो वाली हमको क्या करना है, टू वे स्विच के सेंटर वाले बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना। ये बीच वाला टर्मिनल ये है, और ये इसकी फैन की फेज वाली वायर है, जो फैन में इनपुट फेज जाता है उसको हमको टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में लगा देना है। ये यहाँ कनेक्ट कर दिया, और न्यूट्रल वाली वायर जो है वो डायरेक्ट ब्लू कलर की हमने वायर ली है, वो डायरेक्ट न्यूट्रल में कनेक्ट हो जाएगी। और इसके लिए फ्रेंड्स जो इनपुट फेज आएगा, इनपुट फेज वाली वो वायर जो आएगी, वो वाली हमको फर्स्ट वाला जो टू वे स्विच है उसके सेंटर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ये जो वायरिंग है फ्रेंड्स, ये एकदम स्टेयरकेस वायरिंग की तरह है। ये यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये वाला इनपुट फेज हो गया, और यहाँ से आउटपुट है फैन के लिए जो जाएगा, यह इनपुट फेज आ जाएगा। तो ये हमारी वायरिंग फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है। तो इसको हम ऑन करके देखेंगे, उससे पहले इसको सीधा कर लेते हैं स्विच को। ये जो स्विच है उनको सीधा कर लेंगे।
ये फ्रेंड्स हमने स्विच को सीधा कर लिया है और ब्लू कलर की वायर को न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया, ऑरेंज कलर वाली वायर फेज में कनेक्ट कर ली है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अब हम ऑन करके देख लेते, पावर को ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम फैन को, ये फैन रेगुलेटर है, इसको अभी ऑफ कर लेते हैं दोनों को, ये दोनों को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से इसको ऑन करेंगे और ये जो रेगुलेटर है ये स्विच के बगल में लगा रहेगा। यहाँ से इसको स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम स्पीड इसकी स्लो स्पीड में अभी घुमा रहे हैं, ये स्लो, और फुल पे करेंगे, हाई हो गई अभी। और यहाँ से ऑन करने के बाद हम इस स्विच से ऑफ कर सकते हैं। ऑन करना चाहे तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ये देखिए। और फिर अगर यहाँ से हम ऑफ है और जहाँ हमारा बेड है, बेड के पास से इसको फैन को ऑन करेंगे तो ये अभी एक बार रुक जाता है। ये देखिए यहाँ से अगर ऑन करेंगे, ये स्विच को ऑन किया और ये वाला फैन रेगुलेटर से इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके बाद यहाँ आके अब हम इसको ऑफ करना चाहें इस स्विच से, तो यहाँ से भी ऑफ हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।